दोस्तों, क्या आपके भी घर में लगी सीसीटीवी कैमरा बीप कर रही है, टी टी की आवाज निकाल रही है? बेसिकली होता क्या है, कभी कभी सीसीटीवी कैमरा जो है बीप करने लग जाती है, कंटिन्यू बजते ही रहता है, टी 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 कंजट करके रख देता है, पूरा दिमाग खराब करके रख देता है। और अगर आपके भी घर के सीसीटीवी कैमरे पर यही दिक्कत आ रहा है, आपके भी घर के जो कैमरा है उस पर टी टी की आवाज निकल रही है, तो आज के वीडियो को आंख तक जरूर से देख लेना, क्योंकि आज के वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि सीसीटीवी कैमरा की जो डीवीआर होती है, अगर उसमें से आवाज निकल रही है, बीप कर रहा है, टी टी करके बजते रहता है, तो इसे कैसे ठीक कर सकते, कैसे फिक्स कर सकते। और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सीसीटीवी कैमरे में जो प्रॉब्लम आ रही, जो टी टी के जो अब प्रॉब्लम है, जो बीप कर रहा है, वो 100% खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे की जो बीप प्रॉब्लम होती है, जो टी 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 करे, जो बजते रहता है, इसे ठीक करने के लिए, बंद करने के लिए, सिंपली आपको अपने माउस पे राइट क्लिक करनी है, मेन मेनू पर आनी है, और यहाँ पर आपको स्टोरेज पर आनी है, ठीक है। स्टोरेज पर आने के बाद आपको डिस्क मैनेजर पर आनी है, ठीक है। हो सकता है आपके में जो सेटिंग है आगे पीछे दिखाई दे, लेकिन कुल मिलाकर आपको स्टोरेज पर आ जानी है। इसके बाद आपको डिस्क मैनेजर पर आनी है, और यहाँ पर आपको यह ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो टी टी करे, जो बजते रहता है ना, इसका मेन कारण हार्ड डिस्क ही होता है। जब हमारा सीसीटीवी कैमरा जो डीवीआर है वो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तब यहां पर आवाज निकालने लगता है, ठीक है। तो आपको देख लेना कि आपके सीसीटीवी कैमरे के जो डीवीआर है, यहां पर डिस्क मैनेजर पर जब आएंगे तो यहां पर जो आपका हार्ड डिस्क है वो शो कर रहा है कि नहीं, जैसे मेरे में देख सकते हैं, एक नंबर पे हार्ड डिस्क दिखा रहा है, मतलब हमारे में एक हार्ड डिस्क लगा है, ठीक है, मेरे में शो कर रहा है। और अगर दिखा रहा है तो आपको क्या करनी है, इस पर राइट क्लिक करनी है, इस तरह से राइट क्लिक करने के बाद, मतलब इसमें टिक लगानी, ठीक है, टिक लगाने के बाद यहां पर आपको फॉर्मेट पर क्लिक करनी है, फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्लियर एचडीडी डेटाबेस इसे इनेबल कर देनी है, और आपको ओके कर देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके सीसीटीवी कैमरे की जो हार्ड डिस्क है वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, और जो भी वायरस वगैरह कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक। ओके करने के बाद ये फॉर्मेट हो जाएगा, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो सीसीटीवी कैमरे है उनमें जो टिक टिक जो बज रहे थे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और दोबारा वो नहीं बजेगा, ठीक है। और मान के चलिए अगर आपके में हार्ड डिस्क ही नहीं दिखा रहा है, यहां पर जैसे दिखा रहा है मेरे में हार्ड डिस्क का, वो आपके में नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करनी चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं हमारे लगा डीवीआर जो कि है सीपी प्लस कंपनी का, तो जो टी टी करके जो आवाज आ रही है ना, इसे ठीक करने के लिए, इसे बंद करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यूं तो आप इसे सेटिंग से भी करते, लेकिन मैं आपको परमानेंटली फिक्स करके दिखा रहा हूं। इसके लिए आपको अपने डीवीआर के जो कनेक्शन है, इसे आपको सबसे पहले बाहर निकालनी, ठीक है। जो यहां पर कनेक्शन हुए हैं देख सकते, इसे आपको बाहर निकालनी। दो यहां पर मेरे पास कैमरा लगी है, मैं यहां पर कैमरे के सॉकेट को निकाल लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कैमरे के सॉकेट यहाँ पर निकल गई है, दो यहाँ पर कैमरा लगे, मैं दोनों को निकाल लेता हूँ बाहर, इस प्रकार से बाहर निकल गई है। यहाँ पर डिस्प्ले के लिए एचडीएमआई केबल लगा, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर पावर केबल लगी, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे डीवीआर का पूरा कनेक्शन बाहर आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डीवीआर बाहर आ चुका है, जो कि आर चैनल का ये डीवीआर है, आप देख सकते हैं। अब सिंपली आपको करना क्या है, इसके ढक्कन को आपको ओपन करना, देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार स्क्रू मिलेंगे, एक और इधर दो, और पीछे में दो आपके स्क्रू मिलेंगे, एक अरे दो, टोटल चार स्क्रू आपको मिलेंगे, तो आपको ढक्कन को ओपन करें, ठीक है। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गई है कि स्क्रू ड्राइवर, अब फटाफट से हम इसके ढक्कन को ओपन कर दें, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू लगी है, इसे आपको बाहर निकालनी है, फटाफट से मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं चारों स्क्रू को बाहर निकाल दिए, अब सिंपली इसके ढक्कन को हम ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार से। ढक्कन हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा है हमारा हार्ड डिस्क, और यहाँ पर हमारा लगा है मदरबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर लगा है स्पीकर, यही स्पीकर जो बीप करता है टी टी की आवाज़, यही स्पीकर निकालता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपका जो सीसीटीवी कैमरा जो डीवीआर है टी टी करके बज रहा है, इसका मतलब यह है कि जो हार्ड डिस्क लगी है इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये जो कनेक्शन भी हो सकता है, कनेक्शन में फॉल्ट हो या फिर धूल धक्कड़ फंसी हो, क्योंकि डस्ट की वजह से भी कभी कभी ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके कनेक्शन का एक बार आपको निकाल के फिर से कनेक्ट करनी है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लग लगी इसे आपको दबाना है नीचे की ओर इस तरह से, और आपको बाहर की ओर खींचना ये निकल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी आपको खींचना बाहर की ओर, ये बाहर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं दोनों हमने बाहर निकाल दिया। अब आपको देख लेना कहीं इस पर धूल धक्कड़ थोड़ी जमी है, इस प्रकार से देख सकते हैं सॉकेट बिल्कुल क्लीन दिख रहा है मेरे में, बिल्कुल क्लीन सॉकेट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आपको देख लेनी धूल लगकर थोड़ी जमी है, और अगर धूल लगकर लगा तो आपको अच्छे से इसे ब्रश की मदद से साफ कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद ये जैसा का धूल वैसा आपको फिर से इसे लगानी, यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं पहले, इस प्रकार से हमने इसे लगा दिया। अब आपको इसे भी लगा देनी है कुछ इस प्रकार से, लगा दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो कनेक्शन हुआ इसे एक बार आपको निकाल के फिर से लगानी, ठीक है, देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो पीछे से हमें प्रेस करने के लिए मिलता है, देख सकते हैं
ऐसे हो जा भाई, दिख जा अच्छे से। ये देख सकते हैं हमारा क्लिप लगी है, आपको इसे दबाना है पीछे की ओर इस तरह से, और ये निकल जाएगा। देख सकते हैं निकल गया। फिर से आपको इसे लगानी, मतलब देख लीजिए कि डस्ट वगैरह थोड़ी घुसा है, ठीक है, क्योंकि एक लंबे समय हो जाने पर यहाँ पर काफ़ी सारी धूल रखकर जम जाती है। फिर आपको लगा देनी, इसे जैसा लगा था वैसा ही लगा दिया हमने। अब एक बार इसको भी आपको बाहर निकालनी है, साटा केबल को प्रेस करनी है आपको पिन को और खींचना ऊपर की ओर, निकल जाएगा। फिर अच्छे से फूंक मार के आपको इसे फिर से लगा देनी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे फिर से लगा दिया। इतना करने के बाद आपको फिर से एक बार अपने डीवीआर को चालू करनी, इसे एक बार पावर देनी है और देखनी कि ये टी टी करके जो बज रहा था वो बंद हुआ कि नहीं। और अगर बंद नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो हार्ड डिस्क लगा है ये खराब हो चुका है। आप इसे निकाल करके यहाँ पर जो देख सकते हैं आपको चार स्क्रू मिलेंगी, इसे आपको निकाल देनी है। और अगर ये वारंटी पेड में है, गारंटी पेड में, तो आपको इसे रिप्लेस कर देनी है। और अगर गारंटी पेड खत्म हो गया तो आपको इसे नया लेना पड़ेगा, क्योंकि जब एक डीवीआर हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाता तब ये जो है आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। यही है माइक, इसी माइक मतलब यही इसके स्पीकर है, यहीं पर से आवाज़ निकलती है टीटी की। तो आपको देख लेनी है, इसे एक बार कनेक्ट कर निकाल के फिर से लगा के देख लेनी है। अगर चालू हो जाता है अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है फिर भी आवाज़ कर रहा है, मतलब इसे आपको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती, सिर्फ हार्ड डिस्क की वजह से जो है टीटी करके करते रहता है, दिन भर टीटी करते रहता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। और इसे निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको स्क्रू मिलेंगी, इसे आपको निकाल देनी है। निकालने के बाद आपका हार्ड डिस्क निकल जाएगा और इसे जाकर आप आसानी से किसी भी मार्केट में, कंप्यूटर शॉप में जाकर नया ला सकते हैं। अगर वारंटी पीरियड में तो आप इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर जैसा लगा था वैसा आपको इसे लगा देनी है, कनेक्ट कर देनी केबल्स को, यहाँ पर जो सॉकेट है दोनों को आप कनेक्ट कर देनी है। कनेक्ट करने के बाद आपको ढक्कन लगाने से पहले एक बार चेक कर लेनी, ठीक है, पावर देनी, चेक कर लेनी है 100% आपका जो प्रॉब्लम था टीटी वाला वो सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके ढक्कन को पुनः लगा देनी जैसा पहले लगा था, ठीक उसी प्रकार से आपको इसे लगा देनी। हमने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया। अब यहाँ पर आपके स्क्रू को भी टाइट कर लेने, देख सकते हैं यहाँ पर चार स्क्रू हमने निकाला था, चार स्क्रू को हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं दोस्तों। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। और जितने भी अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास सीसीटीवी कैमरा लगी, सबके पास इस वीडियो को भेज दो, फैला दो, क्योंकि सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो पे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।